सुप्रभात बच्चों, चलो हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने रेफ की मात्रा से बने कुछ शब्द हमने लिखे थे और उसे भी हमने पढ़ा था। क्या रेफ की मात्रा तुम्हें याद है, कैसे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? रेफ की मात्रा यानी कि र की मात्रा जो है वर्ण के शिरोरेखा पर किया जाता है, वर्ण के शिरोरेखा पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे। ये है रेफ की मात्रा, इसे हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं पदेन। पदेन यानी कि इसमें जो है पाई वाले पदेन। इस मात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, यानी कि पाई वाले वर्ण और बिना पाई वाले वर्ण, इन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। पाई वाले वर्ण जो है क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ और प, फ, ब, भ, म, ये पाई वाले वर्ण हैं। और बिना पाई वाले वर्ण ट, ठ, ड, ध, ये है। इसे घुमाओ वर्ण भी कहते हैं। बिना पाई वाले वर्ण ये है ट, ठ, ड, ध, और पाई वाले वर्ण जो है प, फ, ब, भ, म, क, ग, घ, ये है पाई वाले वर्ण। और ये है बिना पाई वाले वर्ण, ये है पाई वाले वर्ण। और ये है बिना पाई के वर्ण, बिना पाई के वर्ण, इन दोनों में अंतर आप देख लिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसे लेकर पदेन। यदि र से पहले स्वर रहित वर्ण हो तो र की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, पाई वाले वर्ण में ऐसे लिखी जाती है, जैसे कि र अधिक अ तो बनता है र। इसका रूप जो है पाई वाले वर्ण में ऐसे ले लेता है, यानी कि पैर के पास नीचे, लकीर के पास नीचे ले लेता है। उससे बने जो वर्ण है जो है ग्र, इसका उच्चारण होता है ग्र, क्र, म्र, म्र, और भी वर्ण है इसके व्र, भ्र, भ्र, ऐसे लिखा जाता है। और इस ठीक से और उससे बने कुछ शब्द भी हमने यहां पर लिखा है, देखिए ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम, ये है पाई वाले वर्ण में र की मात्रा को नीचे की तरफ दिया जाता है, कुछ वर्णों को नीचे की तरफ दिया जाता है, तो र का रूप ऐसे होता है, र की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। वैसे ही अगर बिना पाई वाले वर्ण यदि र से पहले यदि कोई स्वर रहित वर्ण हो तो र ऐसे रूप में ले लेता है, ऐसे रूप में ले लेता है, एक
हमने जो है एक टेढ़ी लिखी जो कि पाई वाले वर्ण में ऐसे लिखा, र का रूप ऐसे ले लेता है, और घुमाओ वाले वर्ण में र का रूप ऐसे ले लेता है, जैसे कि ट ट्रैक्टर, स्वर रहित, र से पहले स्वर रहित वर्ण हो तो र का रूप ऐसे ले लेता है ट्र ड्र। तो घुमाओ वाले वर्ण जो है यानी कि बिना पाई वाले वर्ण जो है यहाँ पर लिखा है, कुछ शब्द मैंने लिखा है ट्रक, ट्रैक्टर, मेट्रो, ड्रामा, ड्रेस, ड्राइवर, ठीक इसी तरह लिखा जाता है। पाई वाले वर्ण में र ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम, ट्राम। ट्राम कैसे लिखेंगे? ट्राम, इसका उच्चारण भी अलग, दोनों के उच्चारण भी बहुत अंतर है। देखिए व्रत और ट्रैक्टर, ट्रे व्र ट्रे रफ गर्म द्र द्र। देखिए द द में ये पाई वाला वर्ण है, इसलिए हम र की मात्रा इस पद को हम र का रूप यहाँ पर ले लेता है द्र। घ में भी देखिए व्याघ्र, आधा व पूरा य में आ की मात्रा व्याघ्र, क्योंकि ये पाई वाला वर्ण है इसलिए र का रूप ऐसे ले लेता है पदे में, यह है पाई वाला वर्ण। व्याघ्र, द्रव, द्रव्य, द्रव, और ये आधा व पूरा य द्रव्य। आइए हम इसे फिर से इस शब्द को पढ़ते हैं, ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम, पदे र के ये जो रूप हैं, र के रूप हैं, इसे र से पहले यदि स्वर रहित वर्ण हो तो र का रूप एक इस प्रकार लेता है, और दूसरा घुमाओ वाले वर्ण में ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों का अंतर बहुत ही है और उसका उच्चारण भी अलग अलग मैंने बताया है। देखिए ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम, और कई शब्द हम लिख सकते हैं, ट्रक, ट्रक, ट्रैक्टर, यह घुमाओ वाले वर्ण यानी कि बिना पाई वाले वर्ण, मेट्रो, ड्रामा, ड्रेस, ड्राइवर। आइए आप इसे लिखिए, कुछ समय में देती हूँ आपको, आप इसे लिखिए। आप लिखिए। आइए इसे आप इन शब्दों को लिखिए, पदेन जो ऐसे लिखा जाता है, पदेन यह है ऐसे र की मात्रा, और यह है
यानी कि ये पाई वाले वर्ण में ऐसे लिखा जाता है और ये बिना पाई वाले वर्ण में ऐसे लिखा जाता है। इनसे बने शब्दों को आप लिखिए, ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम। र से पहले यदि कोई पाई वाला वर्ण स्वर रहित हो तो र उस वर्ण के नीचे के रूप में, नीचे के रूप में लिखा जाता है। और इसे देखिए, यदि र से पहले स्वर रहित वर्ण यानी बिना पाई वाले वर्ण ट ड आदि हो तो र का रूप ले लेता है। इस प्रकार नीचे की तरफ में घुमाव वाले वर्ण में ऐसे, घुमाव वाले वर्ण में ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा वी शेप नीचे, नीचे की तरफ में लिखा जाता है। इसका उच्चारण करते हुए आप लिखिए, ब्रश, फ्रॉक, चक्र, व्रत, भ्राता, नम्रता, आग्रह, ग्राम। उसके बाद में इसे लिखिए, ट्रक, ट्रैक्टर, मेट्रो, ड्रामा, ड्रेस। ये दोनों को अलग अलग मैंने बताया है। देखिए, र से पहले यदि कोई पाई वाला वर्ण स्वर रहित हो तो र उस वर्ण के नीचे इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, यानी कि छोटी सी टेढ़ी लकीर के रूप में लिखा जाता है। यदि र से पहले स्वर रहित वर्ण बिना पाई वाले वर्ण ट ड आदि हो तो र का रूप ले लेता है, इस प्रकार का ले लेता है। उसका भी उच्चारण हमने देख लिया। इसे बार बार पढ़िए, समझकर लिखिए, ताकि आप कहीं भी बाहर जाते हो तो इस प्रकार की मात्राएं अगर तुम्हें दिखाई देती हैं तो तुरंत आप इसे पढ़ सकते हैं। समझ में आया? इसे पूरा कीजिए, लिखिए और पढ़िए। हमारी अगली क्लास में हम पढ़ते हैं कुछ और शब्द। धन्यवाद।